बिजली पानी सड़क नहीं तो वोट नहीं। ग्राम जामनिया व लोटनदेव में आज भी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजपुर तहसील ग्राम लिम्बई फलिया का जामनी लोटनदेव में ग्रामीण नहीं देंगे वोट। पानी नहीं सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधायक सांसद हमें कई सालों से बेवकूफ बनाया है व नेता भी बेवकूफ बनाते आए हैं। इस वजह से हम सभी ग्रामवासियों ने यह कसम ली है कि सबसे पहले हम सड़क और पानी चाहिए, उसके बाद वोट। आज सुबह ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व जनपद पंचायत सीईओ यहां दौरे पर आए थे और अधिकारी बोल रहे थे कि आपके फलिए जामनिया का नाम हमारे विभाग में नहीं है, इसलिए आपको यह सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। फिर हमने कहा, मतलब हमारा गांव मध्य प्रदेश में नहीं है, यह सुविधा नहीं मिले तो फिर वोट काहे के लिए मांग रहे हो। इस वजह से वह शर्मिंदा होकर गांव से चले गए। यहां फलिया में गरीबी रेखा के नीचे 50 से 55 लोगों ने, जिसमें शौचालयों का लाभ सिर्फ 12 लोगों को दिया गया है, पर सभी शौचालय उस प्रकार से नहीं बनाई गई जिस प्रकार से हर व्यक्ति सोच कर सके। वह शौचालय कमजोर शौचालयों का निर्माण कार्य किया गया व शौचालयों की सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाई गई। जब हमने ठेकेदार से कहा कि हमने सेप्टिक टैंक नहीं है, ठेकेदार कहते हैं कि हमें सरकार द्वारा कम पैसा दिया गया है, इसमें सिर्फ बच्चे ही शौच कर सकते हैं, बड़े नहीं। भारतीय न्यूज के लिए राजपुर से महेंद्र करील की रिपोर्ट। यहाँ नहीं वोट दे रहे, उसका कारण ये साहब, यहाँ 224 साल हमको बसने को हो गए, अभी तक ना तो रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, और समस्या लेकर जाते हैं तो कोई भी नेता सुनने को राजी नहीं है। अच्छा, तो विधायक सांसद हम क्या कहते हैं, कुछ बात करी? हो बोल देते। अच्छा। करते कुछ नहीं। सांसद के पास भी दो बार गए थे तो बोले सरकार के पास पैसा नहीं है, तुम सरपंच के पास जाओ, मजदूरी करो और वही बट्टी रोड पे डालो। अच्छा, और यहाँ कोई नेता लोगों आए थे वोट मांगने? कोई नहीं आते, अभी अपने छोटे छोटे आते हैं, अभी ये जो मंडल अध्यक्ष है वो आया था अभी, तो वो उसके भी झोले डंडे वापस भेजे हमने। अच्छा, क्या बोले वो? वो बोले मान जाओ यार, बाद में हो जाएगा, आदमी 20-30 साल से तुम इंतजार करके हुआ नहीं, तब क्या होगा। अच्छा, क्या सड़क और बिजली की बहुत ज्यादा परेशानी है? मेन समस्या रोड और बिजली और पानी की तो ठीक है, हम थोड़े बहुत हमारे घर से भी कर लेते हैं, हम बाकी मेन समस्या रोड और बिजली की। बिजली कब कब आती है यहाँ? कब कब? 6 घंटे खेत की है, वो ग्रामीण 24 घंटे वाली कहाँ है, तो पूरी रात हमने 600 फीट वायरिंग डाल के रखी है, उधर से लाके रखी है, तो पूरी रात किसी कटती है सर? वही 6 घंटे 4 घंटे 2 बजे आती है, 6 बजे तक 4 घंटे वही अंधेरा चिमनी, दिग्विजय सिंह सरकार के टाइम में थी वही दिक्कत आज हुई है, वो भी दिक्कत आई। मतलब इस बार चुनाव कोई नहीं देगा, गांव के कोई भी सदस्य इस बार चुनाव मैंने वोट नहीं डालेगा? वोट जब तक रोड नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, जब तक हम वोट किसी को देंगे नहीं, वो चाहे कोई सी। यहाँ से गरीबी रेखा के नीचे है, 50 से 60 लोग नीचे है गरीबी रेखा के नीचे। अच्छा। और यहाँ पे करीबन 50 से 55 मकान है गाँव में। अच्छा। और लैट्रिन उसमें जो शौचालय है 12 से 13 लोगों को ही मिली हुई है। अच्छा। और यहाँ से पूरा टेंडर फिक्स करके आगे पहुंचा दी, यानी कि पूरे गांव में हमने शौचालय बना दिए, और बनाई है ऐसे कि जैसे उसकी लागत है 12,000, लेकिन वो दिखती नहीं है कि 12,000 की वो उसमें लागत लगी हुई है। अच्छा। और उसमें एक मेन बात है, जो सेफ्टी टैंक है उसने उन लोगों ने बनाया नहीं है। अच्छा। उसमें उपयोग करने लायक कोई ऐसी चीज है ही नहीं हो। अच्छा। उसमें बैठ के अच्छा उपयोग ही नहीं हो रही है अभी, नहीं हो पा रही, सिर्फ बच्चों के लिए हो रही है। हाँ, बच्चों के लिए हो रही है, बाकी तो सब बाहर ही जा रहे हैं। अच्छा, जो पहले जा रहे थे वैसे। तो सेफ्टी टैंक नहीं बनाया ठेकेदार ने? सेफ्टी टैंक नहीं बनाया उन लोगों। तो जब वो बन रही थी, जब आपने कुछ बोला कि ठेकेदार साहब? यही बोला कि जब इसमें कुछ सेफ्टी टैंक नहीं बनाओगे तो उपयोग कैसे होगी, बोले कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं छोटों के लिए है। अच्छा। छोटे लोग बैठ सकते हैं इसमें, बड़े लोग नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, है ना। और हमको जैसे आगे से ऑर्डर मिला है वैसे हम लोग कर रहे हैं, उनका ठीक है, अच्छी बात है। हमारे गाँव में रोड की जरूरत है। अच्छा। और रोड अभी तक बनाया नहीं। अच्छा। जितने भी नेता है उतने सब वादे करके और वोट लेके चले गए, और कल भी अधिकारी आए थे, ऑफिसर आए थे, सीओ साहब, एसडीओ साहब, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये तो हमारी जानकारी में नहीं है रोड। अच्छा। और हमारे विभाग में नहीं आता, विभाग में ही नहीं है, विभाग में फलिया का नाम ही नहीं है विभाग में, फलिया का नाम ही नहीं है विभाग में। अच्छा। हमने कहा जामनिया फिर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा फिर तो। हाँ। आपके यहाँ नहीं, राजपुर में नहीं है तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा। हाँ। तो वो कुछ नहीं बोले। हाँ। और वापस यहाँ से भाग गए। तो दादा क्या क्या समस्या है गाँव की? यहाँ पानी की समस्या है, पानी 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर से लाना पड़ता है, सब भाइयों और बहनें सब जाती हैं। अच्छा। बच्चे जाते हैं साइकिल से पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, रास्ते में कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ पर। अच्छा। वो बोलते हैं, गाड़ी वाले बोलते हैं कि यार तुम्हारे गांव में हमारे रोड खराब है तुम्हारा। हाँ। इसलिए हम गाड़ी नहीं ले जाएंगे। दादा आपने पोस्टर लगाया कि पानी नहीं तो वोट नहीं। हाँ।
तो यहाँ कोई दबाव तो नहीं आप पे पड़ा, कोई नेता कोई अभी तक कोई आया कि नहीं? अभी यहाँ दबाव नहीं है, यहाँ कोई ना आया कि नहीं? अभी नेता कोई भी नहीं आया? नेता नहीं आया, अधिकारी लोगों ने आया बस, कोई बाला बच्चन भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, कोई नहीं आया यहाँ पर, और ना सरपंच आया यहाँ का। अच्छा, सरपंच भी नहीं आया? नहीं आया। तो अधिकारी लोगों तो आए होंगे ना? अधिकारी ये आए थे कल, बस बस इसके बाद कोई नहीं आया। ये सर्वे करने के लिए कई चार बार सर्वे करके ले गया अनार सिंह। अच्छा, अनार सिंह चौहान, और उसके साथ में क्या मालूम कौन था अनार सिंह? कौन है ये अनार सिंह? इंद्र पीडब्ल्यूडी का वो है, ठेकेदार है। हाँ, अच्छा, पीडब्ल्यूडी का है। तो नपती करके ले जाता है बार? करके चार बार ले गया है, पूरे गांव की, पूरे गांव के, पूरे रोड की, यहाँ से वहाँ तक, इधर लोटन देव की भी करके ले गया, और इधर लिम्बई से जामनिया की भी करके ले गया। अच्छा, और फिर बाद में आके बोलते हैं कि हमारे जानकारी में नहीं, गांव नहीं है। हाँ।